एक्सरसाइज 11.1 लुक एट द क्लॉक्स एंड राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय इट इन टू डिफरेंट वेज। आप ये घड़ी देखें और जो है यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप से डिफरेंट वेज से जो है आप टाइम लिखें। अब यहाँ पर मिनट हैंड और आर हैंड दोनों ही 12 पर है, इट मीन्स 12 ओ क्लॉक हुआ है, तो हम 12 ओ क्लॉक इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। यहाँ पर हमारा आर हैंड है जो 1 पर है और मिनट हैंड जो है वो 12 पर है, इट मीन्स 1 ओ क्लॉक हुआ है, तो हम 1 ओ क्लॉक ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। यहाँ पर आर हैंड 3 पर है और मिनट हैंड 12 पर है, इट मीन्स 3 ओ क्लॉक टाइम हुआ है, तो वो हम ये और ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब बाकी का ये जो है आप खुद करें। नेक्स्ट सम है हमारा ड्रॉ द आवर हैंड टू शो द गिवन टाइम। जो आवर हैंड है जो दिया हुआ है वो आप ड्रॉ करें। जैसे 2 o'clock है, अब यहाँ मिनट हैंड तो दे रखा है, आवर हैंड नहीं है, तो आप इसे ड्रॉ करें, 2 पर बनाएं ऐसे और ये छोटा बनाएं, क्योंकि आपको आर हैंड बनाना है जो कि छोटा होता है, ये छोटा बना है, तो आपका हो गया 2 o'clock। यहाँ पर है 7 o'clock, तो मिनट हैंड दे रखा है 12 पर, आपको जो आर हैंड है वो बनाना है, वो आप ड्रॉ करेंगे 7 पर, तो ये आपका 7 o'clock टाइम हो गया है। इस तरीके से आप ये खुद कर सकते हैं।